हेलो फ्रेंड्स मैं सीए शालिनी सोमानी कई लोगों की मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि अगर उन्होंने बैंक से लोन लिया और बाद में बैंक अगर वो लोन वेव कर देती है तो जितना पोर्शन वेव किया क्या वो हमारे टैक्सेबल इनकम में जुड़ जाएगा डेप्रिसिएशन जो कैपिटल एसेट्स पे क्लेम किया जो ये कैपिटल लोन से ली गई थी तो क्या वो डिडक्शन हमारे टैक्सेबल इनकम में जुड़ जाएगा लोन वेवर होने पर वेवर स्टॉक से रिलेटेड नहीं था लेकिन कैपिटल एसेट से रिलेटेड था तो क्या हमारी कोई लाइबिलिटी रियली में कम होने वाली है ऐसे ही कुछ सवालों के लिए आज का हमारा ये वीडियो टिकोट करेगा एक इम्पॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के लिए जो हमें सिखाएगा ट्रीटमेंट ऑफ वन टाइम सेटलमेंट और लोन वेवर अंडर दी इनकम टैक्स एक्ट तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि वन टाइम सेटलमेंट क्या होता है दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि बैंक जब लोन देती है तो लोन चुकाने वाला चुका नहीं पाते हैं टाइम पे ना ही इंस्टॉलमेंट ना ही इंटरेस्ट ऐसे अकाउंट्स कुछ टाइम में एन घोषित कर दिए जाते हैं इन केसेस में बैंक उन्हें वन टाइम सेटलमेंट ऑफ़र करती है यानी कि एक्रूड इंटरेस्ट और लीगल चार्जेस वेव करके जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है बैंक उन्हें उतना चुकाने के लिए अलाउ करती है ये करने से बैंक को भी फ़ायदा होता है क्योंकि अगर वो लीगली जाएगी तो काफ़ी समय लग जाता है ये मनी रिकवर करने के लिए और बैंक का काफ़ी एक्सपेंस भी होता है ये सेटलमेंट बैंक के बाहर भी होता है नेशनल लोक अदालत में जहाँ पे इसकी कोई गाइडलाइन नहीं होती कोई फिक्स्ड फंडा नहीं होता है तो चलिए अब हम देखते हैं आज की केस स्टडी जो एक लैंडमार्क जजमेंट है बिकॉज सारे सिमिलर केसेस जो ऐसे ही चल रहे थे ये रूलिंग आने के बाद सब में यही सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एप्लीकेबल कर दिया गया था आज का हमारा केस स्टडी है सी आई टी वर्सेज महिंद्रा एंड महिंद्रा प्रोनाउंसमेंट गिवन इन द ईयर 2018 404 एटीन ट्रिपल ज़ीरो वन ये बात है एटीन जून 1964 की जब महिंद्रा एंड महिंद्रा अपने जीप प्रोडक्शन लाइन में एक्सपेंशन प्लान कर रहा था दो नए मॉडल्स इंट्रोड्यूस करने थे एफ सी वन फिफ्टी एंड एफ सी वन ट्वेंटी एफ सी वन सेवेंटी जिसके लिए उन्होंने एक एग्रीमेंट एंटर किया विद एन अमेरिकन बेस्ड कंपनी केसर जीप कॉरपोरेशन केसर जीप कॉरपोरेशन ने अपनी सब्सिड्री के थ्रू महिंद्रा एंड महिंद्रा को डाइस वेल्डिंग इक्विपमेंट्स एंड डाई मॉडल्स लोन पे देने का एग्रीमेंट किया ये लोन के टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ इस प्रकार थे कि पूरी डील कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट इंक्लूडिंग सी केम एट एन अमाउंट ऑफ सिक्स लाख फिफ्टी थाउजेंड डॉलर यानी सब मिला के डील की वैल्यूएशन थी सिक्स लाख फिफ्टी थाउजेंड डॉलर एट द रेट सिक्स परसेंट इंटरेस्ट यानी महिंद्रा एंड महिंद्रा को छः परसेंट ब्याज इस लोन पे चुकाना था जिसकी किस्तें चालू होगी दस साल बाद यह एग्रीमेंट पे आरबीआई ने भी मोहर लगाई कुछ समय बाद अमेरिकन बेस्ड कंपनी अमेरिकन मोटर कॉरपोरेशन ने केसर जीप कॉरपोरेशन को टेक ओवर कर दिया टेक ओवर करने के टर्म्स एंड कंडीशंस में अमेरिकन मोटर कॉरपोरेशन ने महिंद्रा एंड महिंद्रा का प्रिंसिपल अमाउंट वेव कर दिया जैसे ही उन्होंने प्रिंसिपल अमाउंट वेव कर दिया महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपने आई में इसे एज अ सेशन ऑफ लाइबिलिटी शो किया मतलब कि दिखाया कि अब उनकी लाइबिलिटी इस अमाउंट से घट गई है यह अमाउंट थी फिफ्टी सेवन लैख सेवेंटी फोर थाउजेंड एंड सिक्सटी फोर रुपीज़ यह अमाउंट शो करने के बाद जब इसका असेसमेंट हुआ इनकम टैक्स ऑफिसर ने इसे अंडर सेक्शन ट्वेंटी एट फोर में टैक्सेबल गिना अब समझ लेते हैं कि सेक्शन ट्वेंटी एट फोर क्या कहता है सेक्शन ट्वेंटी एट फोर कहता है वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्यूसाइड वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और द एक्सरसाइज ऑफ अ प्रोफेशन इस टैक्सेबल अब इसका मतलब यह है अगर कोई बेनिफिट या परक्यूसाइट कुछ ऐसे फॉर्म में हो जो पैसों में कन्वर्ट कर सके या नहीं कर सके अगर वो बिज़नेस या प्रोफेशन के दौरान होते हैं तो वो टैक्सेबल है मगर हमारे केस में वेवर जो था वो कम्प्लीटली एक कैश रिसिप्ट था तो सेक्शन ट्वेंटी एट की कोई कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो पाती है फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपील फाइल करी अपील फाइल करी सीआईटी अपील्स में जहां पे सीआईटी अपील्स ने सेक्शन ट्वेंटी एट फोर की एप्लीकेबिलिटी को तो खारिज कर दिया मगर उनका कहना था कि अंडर सेक्शन फोर्टी वन वन ये टैक्सेबल है अब ये समझने के लिए हम समझते हैं कि सेक्शन फोर्टी वन वन क्या कहता है सेक्शन फोर्टी वन वन कहता है कि अगर कोई अलाउंस या डिडक्शन हमने किसी पहले साल में लिया था किसी लॉस एक्सपेंडिचर या ट्रेडिंग लाइबिलिटी के रिलेटेड और अगर बाद में वो लॉस या एक्सपेंडिचर या ट्रेडिंग लाइबिलिटी का अस्तित्व ही ख़त्म हो जाता है तो जो अलाउंस या डिडक्शन हमने पहले लिया था वो भी हमें नहीं मिलेगा मतलब वो टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि अब वो लाइबलिटी ख़त्म हो चुकी है तो उससे मिला हुआ पहले का बेनिफिट हमारे लिए डीम्ड इनकम कहलाता है प्रॉफिट्स एंड गेंस फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन शेड्यूल में मतलब वो चार्जेबल हो जाता है अब इसके लिए एक बात जाननी बहुत ज़रूरी है ये जो सिक्स परसेंट इंटरेस्ट डील में मेंशन किया गया था ये सिक्स परसेंट इंटरेस्ट महिंद्रा एंड महिंद्रा सेक्शन थर्टी सिक्स वन थ्री ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में क्लेम कर सकता था लेकिन उन्होंने कभी ये क्लेम किया ही नहीं सेक्शन 411 वन वन ख़ास यही कहता है कि आपने कोई अलाउंस या डिडक्शन क्लेम करना था जैसे कि इंटरेस्ट अगर आपने इंटरेस्ट पहले क्लेम करा होता तो आपको उसका डिडक्शन रिवर्स होता और वो अमाउंट टैक्सेबल होती लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कभी भी ये छः परसेंट का इंटरेस्ट क्लेम ही नहीं करा जिस कारण सेक्शन फोर्टी वन वन भी उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता महिंद्रा एंड महिंद्रा ने केस ट्रिब्यूनल में फाइल करा अपील के लिए जहां जजमेंट रेस्पोंडेंट के फेवर में आया यानी कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के फेवर में आया हाई कोर्ट में भी जब ये केस चला तो जजमेंट महिंद्रा एंड महिंद्रा के फेवर में आया और सुप्रीम कोर्ट में भी यही हुआ तो दोस्तों ये तो हो गई बात जब लोन लिया था कैपिटल एसेट के लिए अब बात करते हैं जब लोन हमने लिया था वर्किंग कैपिटल के लिए उस केस में क्या होगा इसे भी हम दो केस स्टडीज़ के जरिए समझ सकते हैं सॉलिड कंटेनर्स लिमिटेड versus DCIT 2009-308 ITR 0417, बॉम्बे हाई कोर्ट की रूलिंग थी जहाँ सेक्शन 284 एट एप्लीकेबल होता है जो कहता है कि अगर रिसिप्ट रेवेन्यू नेचर की है तो वो टैक्सेबल होनी ही है एक और सुप्रीम कोर्ट केस है सी आई टी वर्सेज आयंगर एंड ट्रिपल टू आई टी आर थ्री फोर फोर जो कहता है भले ही रिसिप्ट पहले कैपिटल नेचर की थी लेकिन बाद में उसका कैरेक्टर चेंज हो जाता है क्योंकि जब वो एस के हाथ में आ जाता है यानी कि जिसने लोन लिया उसके हाथ में आने के बाद उसका कैरेक्टर चेंज हो सकता है मतलब भले ही आप कैपिटल एसेट के लिए लोन ले, लेकिन बाद में उसको ट्रेडिंग परपस के लिए यूज़ करते हैं तो आपने जो भी पहले डिडक्शन क्लेम किया था वो अब आपकी टैक्सेबल इनकम बन जाएगा और जो लोन वेवर आपको मिला है वो भी टैक्सेबल इनकम में गिना जाएगा अंडर सेक्शन फोर्टी वन वन जहाँ बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपनी मोहर लगा चुके थे वहाँ चंडीगढ़ के आई टी, -टी बेंच ने एक बहुत ही दिलचस्प जजमेंट दिया है ये बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से बिल्कुल परे है लेकिन फिर भी जानने में एक अलग व्यू पॉइंट सामने आता है ये केस है जयपाल गाबा प्रोप्राइटर ऑफ मेसेज मैक हॉजेरी वर्सेस आईटीओ जयपाल गाबा जी ने बैंक से लोन लिया था कुछ थ्री करोड़ सेवेंटी एट लाख नाइन्टी थ्री थाउजेंड वन रुपीज़ का जिसमें से एटी फोर लैख्स एटी थ्री थाउजेंड वन रुपीज़ टर्म लोन था और बाकी टू करोड़ नाइन्टी फोर लाख टेन थाउजेंड कैश क्रेडिट लिमिट था ये बात है थर्टी फर्स्ट डिसम्बर टू थाउजेंड सिक्स की यह अकाउंट तीन साल आठ महीने पहले ही एन पी हो चुका था मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट अब तक इसका इंटरेस्ट अमाउंट वन करोड़ नाइन्टी थ्री थाउजेंड नो वन करोड नाइन्टी थ्री लाख सिक्सटी फोर थाउजेंड सेवन हंड्रेड ट्वेंटी नाइन अक्रूड इंटरेस्ट एन में जमा हो चुका था जो कि ना अब तक बैंक ने रिकॉर्ड किया था और ना ही एस में इवन लीगल एक्सपेंडिचर एंड वैल्यूएशन चार्जेस रुपीज़ वन लैक फोर्टी सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड फिफ्टी सेवन रुपीज़ ये भी दोनों तरफ से किसी भी पार्टी ने बुक नहीं करा था इतनी बड़ी रकम होने के कारण ये पूरी जो टोटल लायबिलिटी थी लोन की प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट प्लस लीगल एक्सपेंडिचर टोटल रुपीज़ फाइव करोड़ सेवेंटी फोर लैख फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एटी सेवन रुपीज़ में से जहाँ कुछ आने की संभावना नहीं थी वहाँ वन टाइम सेटलमेंट प्रोग्राम रन करके बैंक ने वन करोड़ फोर्टी लैक्स में ये डील क्लोज करने का फैसला लिया यानी फोर करोड़ थर्टी फोर लैख फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड एट्टी सेवन रुपीज़ का वेवर दिया जिसमें इंटरेस्ट लीगल वैल्यूएशन एंड प्रिंसिपल अमाउंट ये सब इंक्लूडेड था अब पर अभी तक जो हमने केसेस सुने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के उनके हिसाब से तो ये जो टोटल वेवर मिला 4.34 करोड़ का ये क्योंकि रेवेन्यू नेचर का था ये टैक्सेबल होना चाहिए था जैसा कि इनकम टैक्स ऑफिसर के नोटिस में लिखा गया था मगर इंटरेस्टिंग बात ये है कि आई ने इसमें अलग ही ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करे जैसे कि एक्सेप्ट इन मनी लैंडिंग बिजनेस यानी कि जहाँ बिजनेस ही हो पैसे लेने का या देने का उनके अलावा अगर लोन वेवर होता है तो वो इनकम में नहीं गिना जा सकता यानी सेक्शन ट्वेंटी एट फोर में उसे टैक्सेबल नहीं किया जा सकता और दो और वन टाइम सेटलमेंट कोई बिजनेस का पार्ट नहीं है ये तो एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जो लोन वेवर है ये एक कम्प्लीटली अलग ही ट्रांजैक्शन है इस हिसाब से फोटी वन वन भी एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड सेक्शन फिफ्टी सिक्स टू टेन की अगर बात करें तो उसमें भी कंसिड्रेशन का पॉइंट है सेक्शन 56 सिक्स टू टेन कहता है अगर कोई ट्रांजैक्शन है जहाँ कंसिड्रेशन नहीं ऑफ़र किया है एक चीज़ के बदले ना तो सामने से पैसा ऑफर हो रहा है ना ही कोई दूसरी चीज़ ऑफ़र हो रही है और अमाउंट फिफ्टी थाउजेंड से ज़्यादा है तो ऐसे केसेस को टैक्स किया जाता है ये सेक्शन के अंडर वो पूरी इनकम को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स कर दिया जाता है मगर सेक्शन फिफ्टी सिक्स यहाँ नहीं लगा सकते क्योंकि लोन के सामने कुछ भी नहीं आया ऐसा नहीं था लोन के सामने था कंसिड्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इसीलिए सेक्शन फिफ्टी सिक्स भी नहीं लगा सकते मगर ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये सरकमस्टेंसेस एकदम सिचुएशनल है इसे ब्लाइंडली हर किसी केस में नहीं लगाया जा सकता तो ये थी आज की हमारी केस लॉस की स्टडी अब बात कर लेते हैं रीसेंट अपडेट्स की आर ने आर के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही फर्स्ट मार्च से ले कर थर्टी फर्स्ट मार्च तक एन पी पर रोक लगाई थी प्लस टेन परसेंट एडिशनल प्रोविजन के लिए भी ज़रूरी कर दिया गया था मतलब फाइव परसेंट एडिशनल प्रोविज़न एग्जिस्टिंग लोन्स पे मार्च क्वार्टर एंडिंग तक बैंक्स को करना ज़रूरी है और बाकी फाइव परसेंट जून एंडिंग क्वार्टर में सारे बैंक्स को करना ज़रूरी था इसी के साथ साथ 22 मई 2020 को आर ने इस मोराटोरियम पीरियड को तीन महीने से और बढ़ा दिया है यानी कि और तीन महीने टोटल छः महीने की राहत मिली है मतलब आप छः महीने तक अपनी ईएमआई नहीं भरते हैं तो भी बैंक आपको एनपीए क्लासिफाई नहीं करेगा आई होप मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज कवर करी है फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में करंट कमेंट करके ज़रूर बताएं